आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्रीन टिप्स एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले दिन कौन सी स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, उसी स्टॉक की टेक्निकल आउटलुक, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट, उस बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले दिन जो मैंने स्टॉक के बारे में चर्चा किया था उसका रिव्यू देखेंगे, उसमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस बना रहा हूं। जो भी टेक्निकल आउटलुक, जो भी लेवल पेश करूंगा, मेरी खुद की रिसर्च से, अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड करें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले रिव्यू देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बाइंग एंट्री यानी लुपिन का बाइंग एंट्री था 843.64 और सेलिंग एंट्री लेवल था 827.95। सुबह क्या हुआ फ्रेंड्स, शायद एक या दो पॉइंट के लिए, एक या दो पॉइंट के लिए बाइंग एंट्री लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट ना होके सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ 827.95। सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट होने के बाद मे बी 26 का लो बनाया, 26 के लो बनाने के बाद फिर 842 का हाई बनाया, लेकिन फिर भी बाइंग लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो आप लोग एक बार सोच के देखिए लेवल कितना अहमियत रखता है इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए। पिछले दिन भी मैंने बताया था, आज भी कह रहा हूं आप लोगों को कि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए। सुबह सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट होके 842 का हाई बनाया, लेकिन बाइंग एंट्री लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद फिर से गिरा, गिरने के बाद 805 का लो बनाया शायद, और यहाँ पर फिफ्थ टारगेट डन। तो यहाँ पर हमें कितना पॉइंट मिला, 20 पॉइंट गेन हुआ, 20 पॉइंट हमें मिला। लेकिन क्या यह 20 पॉइंट सबको मिला है? नहीं मिला। जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेकर ट्रेड करना चाहते हैं, प्रॉफिट करना चाहते हैं, उन लोगों को हमेशा ज्यादा प्रॉफिट होता है और मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता है। और सेफ ट्रेडर को भी मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और खास करके आप जिस स्टॉक के बारे में जानते हैं, आप डेली ट्रेड करते हैं, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। और आप जिसके टिप्स के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको पता है एक्यूरेसी कितना है, तब आप रिस्क ले सकते हैं। खास करके मेरी कॉल में जो लोग, जो फॉलोअर, जो व्यूअर्स डेली ट्रेड करते हैं, उन लोगों को पता है कि लेवल एग्जीक्यूट होने के बाद टारगेट होता है कम से कम तो फर्स्ट टारगेट, उसके बाद चाहे जो भी हो। तो देखिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में, 827.95 यानी 827.95 एग्जीक्यूट होने के बाद 842 का हाई बनाया, लेकिन बाइंग लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद फिर नीचे गिरा और यहाँ पर फिफ्थ टारगेट डन। तो काफी सारे फॉलोअर्स ने मुझे एसएमएस किया था, तो मैंने कहा अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो 835 में क्लोज कर दीजिए। कुछ लोगों ने 10 या 12 फॉलोअर्स ने मुझे एसएमएस किया था, तो मैंने कहा 835 में क्लोज कर दीजिए अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 820 तक गिरेगा, गिरने का चांसेस है। और जब 828 के नजदीक आया, फिर से मैंने उन 10-12 फॉलोअर्स को मैंने फिर से एसएमएस किया, अगर आप स्क्वायर अप करना चाहते हैं तो कर दीजिए 829 में, अदरवाइज टारगेट फॉलो कीजिए। तो कुछ लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया और कुछ फॉलोअर्स ने टारगेट बुक किया, मुझे अच्छा लगा है। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, शाम को 3:15 में शायद, फिर 3 बजे से 3:15 के जो कैंडल थे, उस कैंडल में 851 का हाई था। तो हमारा जो सेकंड टारगेट है, लगभग सेकंड टारगेट हो गया। तो सेलिंग साइड जिन्होंने ट्रेड किया, सेलिंग साइड भी प्रॉफिट मिला, और जिन्होंने बाइंग साइड ट्रेड किया, बाइंग साइड भी प्रॉफिट मिला। अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने एसएमएस किया है कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टुडे आई हैव डन माय फर्स्ट ट्रेड एंड गॉट प्रॉफिट 440 फॉलोइंग योर यूट्यूब लुपिन स्टॉक्स। देखिए किसी ने मुझे सेंड किया भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले दिन के लिए मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया उसका नाम है स्टार। स्टार को सिलेक्ट करने का रीजन बता देता हूँ। स्टार देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पिछले 11 दिन से इसमें गिरावट है और अभी तक उसका गिरावट जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। और गिरते गिरते स्टॉक ने 9 डेज की क्लोजिंग प्राइस, 150 डेज की क्लोजिंग प्राइस, 30 डेज की क्लोजिंग प्राइस, 50 डेज की क्लोजिंग प्राइस, 200 डेज की क्लोजिंग प्राइस, उन सभी क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन किया है। और ब्रेक डाउन करते हुए आज क्या हुआ, और आज क्या हुआ फ्रेंड्स, 150 डेज क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज हुआ। नोटिस कीजिएगा,
पिछले 11 दिन से उसमें गिरावट जारी है और 9 डेज की क्लोजिंग प्राइस, 150 डेज की क्लोजिंग प्राइस, 200 डेज के क्लोजिंग प्राइस, 30 डेज के क्लोजिंग प्राइस, 50 डेज के क्लोजिंग प्राइस, इन सभी क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज हुआ है और खास करके पिछले 3 दिन से 150 डेज क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड करते हुए अभी तक 150 डेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम भी देखिए पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पिछले 11 दिन से 20 डेज पीरियड के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप लोग एमएसडी को देखें तो एमएसडी मेन लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है और एमएसडी मेन लाइन जीरो लाइन के नीचे है, हिस्टोग्राम बार भी नीचे की तरफ है। और आरएसआई अभी फिलहाल डे चार्ट में देखिए ग्राउंड फ्लोर पे है, यानी 29 जिसको हम ओवर सोल्ड कहते हैं और डे चार्ट में ओवरसोल्ड कंडीशन में है और यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ बैक बाउंस करने की एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन हम लेवल से ट्रेड करेंगे, जो भी हो बिना लेवल के हम ट्रेड नहीं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है स्टॉक हर तरीके से बियरिश है, स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में है, स्ट्रांगली सेलिंग में है, लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड में है और 29 में है डे चार्ट में, यहां से ऊपर की तरफ जाने की एक पॉसिबिलिटी हमें दिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं पिछले 11 दिन में कितना गिरावट आई उसमें। देखिए पिछले 11 डेज में इसका जो गिरावट है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं, -142 पॉइंट, यानी 142 पॉइंट ये ऑलरेडी गिर चुके हैं पिछले 11 दिन में, और -26% यानी 26.06% माइनस है, 142 पॉइंट माइनस में है, 142 पॉइंट गिरा है और -26%। और फ्रेंड्स अगर हम ट्रेंड की एंगल को देखें तो चलिए क्या रिजल्ट निकलते हैं एक बार देख लेते हैं, क्योंकि काफी गिरावट है इसलिए मैं देखना चाहता हूं। चलिए 132 डिग्री की गिरावट, आप लोग एक बार सोच के देखिए कि कितना गिरावट आई है इस स्टॉक में। ठीक है, चलिए अब हम ट्रेंड लेवल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, सेलिंग पोजीशन में है, सिर्फ हमें यहाँ पर ओवरसोल्ड का जो पोजीशन दिख रहा है वो है आरएसआई डे चार्ट में 29 में है और यहाँ से कुछ हद तक ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा बाइंग लेवल एग्जीक्यूट होता है तो हम बाय करेंगे और अगर सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट होता है तो हम सेल करेंगे, लेकिन सेलिंग लेवल अगर एग्जीक्यूट होता है तो प्रॉफिट मिलने की, ज्यादा प्रॉफिट मिलने की चांसेस ज्यादा रहेगा क्योंकि स्टॉक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और अगर बाइंग लेवल एग्जीक्यूट होता है तब भी हमें प्रॉफिट लेके ही चलना है और हम टारगेट के साथ। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पर आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक हाई आप लोगों ने देखा इस पे, उसके बाद गिरावट और एक हाई आप लोगों ने देखा, यहाँ पर एक टॉप क्रिएट हुआ है। तो इस टॉप के साथ अगर हम इस लेवल को देखते हैं तो इस टॉप लेवल को अभी तक ब्रेक डाउन नहीं किया, इस टॉप उस यानी पिछले जो टॉप लेवल है, तारीख क्या है फ्रेंड्स, जून 20, 2018 का जो टॉप लेवल है, जो डबल टॉप है, उस डबल टॉप लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है और डबल टॉप हमें एक सपोर्ट दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है। दूसरी तरफ हमें सपोर्ट दे रहा है क्या, आरएसआई 29 में है डे चार्ट में जो अभी ओवरसोल्ड में है, और अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, इसके ऊपर सस्टेंस करते हैं, अगर गिरते भी हैं और बाद में उसको ब्रेकआउट करते हैं और उसके ऊपर सस्टेंस करते हैं टॉप लेवल के ऊपर, तो ऊपर की तरफ उछाल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आप लोग, यहाँ पर मैंने ट्रेंड लेवल मार्क किया, इसके ऊपर क्लोज हुआ है, दूसरी तरफ इस ट्रेंड लाइन को भी देखिए और इसका लेवल भी देखिए, जुलाई 2017 का जो लेवल है उस लेवल के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो अभी इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो हमें हर तरीके से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है 2017 जुलाई का और 2018 जून का, उसके बाद डबल टॉप का लेवल, और यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेंड लेवल को देखें तो इस ट्रेंड लेवल के ऊपर भी क्लोज हुआ है आरएसआई 29 में है, यानी बाइंग पोजिशन में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें तो स्ट्रॉन्गली डाउन ट्रेंड में है और सेलिंग पोजीशन पे है। बस हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, अगर इस सभी ट्रेंड लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं तो नीचे की तरफ हम गिरावट देखेंगे, और इस ट्रेंड लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं
और इसके ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हम ऊपर की तरफ उछल देखेंगे, क्योंकि अभी 132 डिग्री गिर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और कितना गिरेगा कुछ पता नहीं, फिर भी हम लेवल के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, लेवल पे जाने से पहले आज मैंने कौन सा कॉल दिया आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, क्लाइंट ने डाबर में 3260 रुपए का प्रॉफिट किया आज, और किसी ने डाबर में 345 का प्रॉफिट किया, अदानी पोर्ट्स में 276 का प्रॉफिट किया, टोटल 621 प्रॉफिट किया। देखिए, विप्रो कॉल दिया था मैंने, विप्रो में भी टारगेट हुआ। देखिए, और किसी ने डाबर में 750 रुपए का प्रॉफिट किया, बीपीसीएल में 551 का प्रॉफिट किया, तो किसी ने डबर में 94 का प्रॉफिट किया, तब उसको स्कोर अप नहीं किया था, बाद में स्कोर अप करने के बाद भेजा 551 750 प्रॉफिट। उसके बाद देखिए, अदानी पोर्ट्स मैंने प्रोवाइड केस में भी टारगेट हुआ, डाबर मैंने प्रोवाइड केस में भी प्रॉफिट हुआ, बीपीसीएल मैंने प्रोवाइड किया इसमें भी प्रॉफिट हुआ। तो चलिए दिखा देते आप लोगों को। देखिए, अदानी पोर्ट्स एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, और जो रिस्क लेना चाहते हैं उन लोगों ने टारगेट बुक किया, आप लोगों ने देखा स्क्रीनशॉट में, अदानी पोर्ट्स 276 प्रॉफिट बुक किया। डाबर सेकंड टारगेट डन, विप्रो फोर्थ टारगेट डन, बीपीसीएल थर्ड टारगेट डन। टुडे ट्रेड क्लोज 10:08 में ट्रेड क्लोज हो गए, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है फ्रेंड्स, देख लीजिए 373.86 का सेलिंग लेवल और 374.94 एक रुपए का स्टॉप लॉस। उसके बाद देख लीजिए, अदानी पोर्ट्स 335.40 का सेलिंग लेवल और बाइंग लेवल 342.70, यानी अगर सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट होता है तो बाइंग लेवल स्टॉप लॉस, अगर बाइंग लेवल एग्जीक्यूट होता है तो सेलिंग लेवल स्टॉप लॉस। उसके बाद देखिए 447.96 स्टॉप लॉस, 451.04 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस। बीपीसीएल देखिए 337.50 339.50 2 रुपए की स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके बाद मैं स्टॉक फ्यूचर का भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। स्टॉक फ्यूचर देखिए, सन फार्मा फिफ्थ टारगेट डन, सेल साइड 409.45 स्क्वायर हुआ और 404 फिफ्थ टारगेट डन। उसके बाद बाय साइड, सन फार्मा थर्ड टारगेट डन, बाय साइड बुक प्रॉफिट, यहाँ पर देखिए 412.85 और 415.61 थर्ड टारगेट डन। उसके बाद मैंने दिया था विप्रो फिफ्थ टारगेट डन बुक प्रॉफिट, विप्रो फ्यूचर। नेक्स्ट मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर देख लीजिए, निफ्टी फ्यूचर 6 टारगेट डन, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सभी टुडे का है, देख लीजिएगा यहाँ पर टुडे लिखा हुआ है। उसके बाद ऑप्शन का भी दिखा देता हूं मैं। ऑप्शन का देखिए, डाबर 450 कॉल सेल, फर्स्ट टारगेट डन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप लोग सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डेली 3 कॉल प्रोवाइड करता हूँ 80% एक्यूरेसी के साथ, सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा लाइव सपोर्ट रहता है। और अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो लेवल रहेगा स्टार का, कौन सी स्टॉक के बारे में मैंने चर्चा किया था, स्टार, स्टार का बाइंग लेवल रहेगा, स्टार की बाइंग लेवल रहेगा 419.97, टारगेट 421.81, 423, 424.79, 426.91, 428.19, 432.58, ओके। और सेलिंग लेवल रहेगा 414, टारगेट 412, 410.69, 409.20, 407, 405.80, 401.41। फ्रेंड्स, बाइंग लेवल के 10 पैसे ऊपर बाई करना है और सेलिंग लेवल के 10 पैसे नीचे सेल करना है। बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल के बीच में जो ये 5 पॉइंट का 6 पॉइंट का गैप है, इस गैप में हम ट्रेड नहीं करेंगे। बाइंग लेवल के 10 पैसे ऊपर हम बाई करेंगे, सेलिंग लेवल के 10 पैसे नीचे सेल करेंगे। अगर बाइंग लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो ट्रेड नहीं करेंगे, जब गिरेगा, गिरने के बाद ब्रेकआउट करेगा तब हम बाई करेंगे। और अगर सेलिंग लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा, जाने के बाद सेलिंग लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तब हम सेल पोजिशन बनाएंगे। तो हमें आशा है आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।